Assalamu alaikum students, I'm Waseem Karam. This is the 24th lecture in a series of 45 lectures on digital logic design. Kaise hain aap? Inshallah, acche honge. Pichle hum do lectures se sequential circuits pe baat kar rahe hain. Sequential circuits mein jaise humne bataya memory element hota hai, to wo ek important component hai. Abhi tak jitni bhi discussion hui hai, aapne dekha hoga hum memory element jo hai wo discuss kar rahe hain, basically latches ko discuss kar rahe hain. लैचेस में एक बात जो खास बात है, जो आउटपुट है वो वापस इनपुट पे फीडबैक हो रहा है, तो जो भी आउटपुट पे वैल्यू आ रही है वो इनपुट पे जा रही है. पिछली दफा हमने कुछ लैचेस पे डिस्कशन की थी, गेटेड लैचेस पे डिस्कशन की थी, कुछ एप्लीकेशंस देखी थी. आज इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन उधर से ही कंटिन्यू होगी, फ्लिप फ्लॉप पे डिस्कस करेंगे, अगेन एप्लीकेशंस देखेंगे. पिछली दफा हमने एक ऐसा लैच है उसकी एप्लीकेशन देखी थी. बेसिकली अगर आप एक स्विच को आप ऑन ऑफ करें इनपुट के लिए किसी डिजिटल सर्किट में, तो स्विच जो होता है एकदम से क्लोज नहीं होगा. अगर क्लोज नहीं होगा दैट मीन्स स्विच का जो आउटपुट है वो 1 और 0 के दरमियान वो वेरिएबल रहेगा, चेंज होता रहेगा. उससे जो डिजिटल सर्किट का इनपुट है उसमें ऑफकोर्स 1 और 0 जाएंगे, तो उसका जो आउटपुट है डिजिटल सर्किट का वो आप गारंटी नहीं कह सकते कि भाई वो 1 आएगा या 0 आएगा, प्रॉपरली काम नहीं करेगा. सो इसको खत्म करने के लिए एक एसआर जो है लैच इस्तेमाल करते हैं, स्विच के आगे लगा देते हैं और एसआर लैच का जो आउटपुट है वो प्रॉपर 1 या 0 होगा. इसी तरह एक और हमने एप्लीकेशन देखी थी जिसमें एक बर्गुलर अलार्म है, तो आर को अगर आप रीसेट कर दें 0 पे, एस को अगर 1 कर दें, बर्गुलर अलार्म अगर ऑन हो तो आपके आउटपुट पे 1 आ जाएगा, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा. अगर बर्गुलर अलार्म को बंद भी कर दें फिर भी जो है 0-0 पे इनपुट चला जाएगा, जिसकी वजह से आउटपुट जो है वो रिटेन रहती है, आउटपुट स्टेट रिटेन रहती है, तो अलार्म बजता रहेगा जब तक आप रीसेट नहीं करते. इसके बाद हमने डिस्कशन की थी गेटेड एसआर लैच पे. गेटेड एसआर लैच में हमने बेसिकली एक इनेबल सर्किट कनेक्ट कर दिया. अगर आप सिंपल एसआर लैच को कंसीडर करें, जब भी आपने इनपुट्स के चेंज किए आउटपुट स्टेट चेंज हो सकती है. गेटेड का मतलब यह है कि आपने एक इनेबल कंट्रोल सिग्नल लगा दिया, तो जब भी एसआर लैच को इनेबल करेंगे और इनपुट सप्लाई करेंगे तब आउटपुट स्टेट उसकी चेंज होगी. अगर इनेबल नहीं करेंगे तो सर्किट जो है एसआर लैच जो है वो काम नहीं करेगी. इसी तरह हमने डी गेटेड लैच को देखा था. डी गेटेड लैच में अगेन बेसिकली वो एक लैच है जिसके साथ में हमने एक कंट्रोल इनेबल सर्किट लगा दिया. सो इनेबल सर्किट को जब तक आप एक्टिवेट नहीं करेंगे लैच जो है पुराना जो डाटा है, जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है वो रिटेन रखेगी. इनेबल करेंगे, इनपुट सप्लाई करेंगे, आउटपुट पे चेंज आ जाएगा. हमने एक एप्लीकेशन देखी थी डी गेटेड लैच की, टू स्टोर डाटा. शुरू में हमने एक बात की थी कि पैरेलल डाटा को आप सीरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग मल्टीप्लेक्सर. मल्टीप्लेक्सर के इनपुट पे आपको जो 8-bit डाटा है जो आप सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो आपको किसी तरह स्टोर रखना पड़ेगा. सो एक अप्रोप्रिएट जो आपके पास डिवाइस है टू स्टोर पैरेलल डाटा वो एक लैच हो सकती है, एक डी लैच हो सकती है. उसमें गेटेड लैच इसलिए जरूरी है क्योंकि 8-bit डाटा जो है जब भी लग से कोई डिजिटल सर्किट है उसका आउटपुट उससे हमें वो पैरेलल डाटा मिल रहा है वो आपने स्टोर करना है, उसके बाद पैरेलल से सीरियल कन्वर्जन होगी. तो आप कब स्टोर करेंगे, बेसिकली वो इनेबल सिग्नल आप भेजेंगे, लैच जो है इनेबल हो जाएगी, आप डाटा स्टोर कर देंगे और उसके बाद वो कन्वर्जन शुरू हो जाएगा. लैचेस के बाद हमने बात की थी एच ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स की. बेसिकली अगर लैच को आप इनेबल करें तो वो जो इनेबल रहेगी लेट्स से 5 नैनोसेकंड तक इनेबल रहती है, तो 5 नैनोसेकंड तक जब तक वो इनेबल रहेगी अगर इनपुट्स के चेंज हो रहे हैं आउटपुट्स भी चेंज होते रहेंगे. हमें चाहिए कि जो लैच है, जो मेमोरी एलिमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रही है वो बड़ी प्रिसाइज मोमेंट्स पे या प्रिसाइज टाइम इंटरवल्स पे वो इन्फॉर्मेशन को लैच करे. अब वो प्रिसाइज टाइम इंटरवल जो है दैट मींस जो आपका इनेबल टाइम इंटरवल है उसको आपने घटाना है, जितना उसको कम कर सकते हैं उतना बेहतर है. टाइम इंटरवल को कैसे कम कर सकते हैं, बेसिकली अगर आप एक क्लॉक सिग्नल को देखें, क्लॉक सिग्नल या तो हाई से लो जाएगा या लो से हाई जाएगा. जब वो ट्रांजिशन हो रही है क्लॉक की हाई से लो या लो से हाई, उस वक्त पे आप जो लैच को इनेबल कर दें और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उसमें स्टोर हो जाएगी. अब क्योंकि वो जो टाइम है एज का हाई ट्रांजिशन या लो ट्रांजिशन वो क्योंकि बहुत कम है, सो दैट मींस बहुत प्रिसाइज किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो लैच हो रही है. दो किस्म की हमने लैच स्टडी की थी. बेसिकली जब आप क्लॉक से इनेबल करते हैं तो उसको आप कहेंगे सिंक्रोनस लैच हो जाएगी या फ्लिप फ्लॉप कहेंगे. उसमें दो किस्म के हमने फ्लिप फ्लॉप्स डिस्कस किए थे, एक एसआर एच ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप था और दूसरा जो था डी एच ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप. दोनों के जो इनेबल सर्किट हैं वो क्लॉक एच से एक्टिवेट होते हैं. हमने एक सर्किट भी देखा था जो कि एक क्लॉक के या तो पॉजिटिव एच को या नेगेटिव एच को डिटेक्ट करता है और उससे उस सर्किट को आगे इनेबल कर रहा होता है. आज हम अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप. डी फ्लिप फ्लॉप हम एच ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे थे, ये कहाँ यूज हो रहा है. इसमें हमने वही जो पैरेलल डाटा को सीरियल डाटा में कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा था कि एक डी लैच हम इस्तेमाल करेंगे जो हम कनेक्ट करेंगे मल्टीप्लेक्सर के इनपुट पे. उसमें प्रॉब्लम वही थी कि जब तक इनेबल ऑन रहेगा डाटा जो है इनपुट पे अगर वो चेंज हो रहा है तो आउटपुट पे भी चेंज हो रहा होगा. सो दैट मींस अगर आप मल्टीप्लेक्सर के इनपुट पे लैच डी लैच इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो डाटा स्टोर कर रहा है वो रिलायबल नहीं है.
इससे बेहतर जो हमारे पास सोल्यूशन है वो ये है कि डी फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल किया जाए। अब डी फ्लिप फ्लॉप जैसे हमने पढ़ा था कि वो क्लॉक एज जब आएगा तब जो भी इनपुट पे डाटा होगा वो स्टोर कर देगा, उसके बाद डाटा बेशक चेंज होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डी फ्लिप फ्लॉप में। सो आइए सर्किट देखते हैं, इसके टाइमिंग डायग्राम को देखते हैं और देखते हैं कि ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है डी लैच से कैसे बेहतर है। सर्किट डायग्राम में चार डी फ्लिप फ्लॉप्स नजर आ रहे हैं। सो ये चार डी फ्लिप फ्लॉप्स जो है चार पे डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इनके जो आउटपुट्स हैं Q0, Q1, Q2, Q3 वो मल्टीप्लेक्सर के चार इनपुट्स के साथ कनेक्टेड हैं। जो डाटा स्टोर करना है वो अप्लाई होगा D0, D1, D2 एंड D3 इनपुट पे। जैसे कि आपको नजर आ रहा है जो चारों D फ्लिप फ्लॉप्स हैं उन सारों की जो क्लॉक सिग्नल है, क्लॉक इनपुट जो है वो आपस में कनेक्टेड है। सो एक ही क्लॉक सिग्नल से चारों D फ्लिप फ्लॉप्स जो है वो कंट्रोल हो रहे हैं। इस तरह एक क्लियर सिग्नल नजर आ रहा है, क्लियर सिग्नल बेसिकली इन फ्लिप फ्लॉप्स को रीसेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। रीसेट करने से Q0, Q1, Q2 एंड Q3 आउटपुट पे जीरो लॉजिक लेवल आ जाएगा। सो डाटा स्टोर करने के लिए कोई 4-bit डाटा D0, D1, D2, D3 इनपुट पे अप्लाई करेंगे, एक क्लॉक सिग्नल देंगे। जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये जो D फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हैं, कोई क्लॉक इनपुट पे कोई बबल आपको नजर नहीं आ रहा। सो पॉजिटिव ट्रांजिशन पे, दैट इज लो टू हाई ट्रांजिशन पे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो लैच हो जाएगी। आइए इसका जरा टाइमिंग डायग्राम देखते हैं और उससे समझते हैं कि ये किस टाइम पे कौन सी इन्फॉर्मेशन लैच हो रही है और अगर डाटा बाद में चेंज हो लैचिंग के बाद या शो में चेंज हो रहा है उससे डी फ्लिप फ्लॉप पे क्या फर्क पड़ेगा। ऊपर D0, D1, D2, D3 जो इनपुट्स हैं, चार इनपुट्स हैं वो नजर आ रहे हैं और वो वेरी हो रहे हैं, लॉजिक 1, लॉजिक 0 इस तरह चेंज हो रहे हैं। नीचे जो नजर आ रहा है क्लियर सिग्नल नजर आ रहा है जो लो से हाई की तरफ जा रहा है, इसी तरह क्लॉक सिग्नल नजर आ रहा है जो लो से हाई की तरफ जा रहा है। सबसे नीचे Q0, Q1, Q2 और Q3 जो आउटपुट्स हैं चार डी फ्लिप फ्लॉप्स के वो नजर आ रहे हैं। डबल T1 पे क्लियर इनपुट जो है उसको जीरो कर दिया है। जैसा कि सर्किट डायग्राम में नजर आ रहा है क्लियर इनपुट एक्टिव लो है, सो जो ही इसको जीरो करेंगे आउटपुट्स में जीरो आ जाएगा। सो Q0, Q1, Q2, Q3 सारे लॉजिक जीरो पे चले जाएंगे जैसा कि आपको टाइमिंग डायग्राम में नजर आ रहा है। उसके थोड़ी देर बाद टाइम इंटरवल T2 पे क्लॉक सिग्नल आ रहा है, सो क्लॉक सिग्नल की लो से हाई ट्रांजिशन हो रही है, एक एरो साइन अपवर्ड जो एरो साइन है उससे नजर आ रहा है कि ये लो से हाई ट्रांजिशन हो रही है। अब लो से हाई ट्रांजिशन पे जो भी इन्फॉर्मेशन T2 इंटरवल पे D0, D1, D2, D3 इनपुट पे है वो स्टोर हो जाएगी D फ्लिप फ्लॉप्स में। जैसा कि आपको नजर आ रहा है टाइम इंटरवल T2 पे D0 जो है वो हाई है, D1 हाई है, D2 लो है और D3 लो है। सो टाइम इंटरवल T2 में जब ये इन्फॉर्मेशन लैच होगी तो Q0, Q1, Q2 और Q3 भी हाई, लो और लो हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखें D0, D1, D2, D3 चेंज हो रहे हैं जबकि Q0, Q1, Q2, Q3 उस पर कोई चेंज नहीं हो रहा, जो शुरू में T2 इंटरवल पे इन्फॉर्मेशन लैच हुई थी वो उधर मौजूद है। अगर आप फ्लिप फ्लॉप की जगह लैच इधर इस्तेमाल करते हैं तो लैच का टाइमिंग डायग्राम अगर देखें D0, D1, D2, D3 इनपुट्स पे जो चार लैचेस के इनपुट्स पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो नजर आ रही है, जो चेंज हो रही है 1, 0, 0 और 1 हो रही है, क्लॉक सिग्नल नजर आ रहा है। बेसिकली क्योंकि ये लैच है तो एज पे ट्रिगर नहीं होगा, जब क्लॉक सिग्नल हाई है तो ये काम नहीं करेगा, जब क्लॉक सिग्नल लो है तब ये इन्फॉर्मेशन को लैच कर देगा। Q0, Q1, Q2 और Q3 जो है वो इस डी लैच के आउटपुट्स दिखाए गए। सो T1 इंटरवल पे जबकि क्लॉक सिग्नल हाई है सो दैट मीन्स डी लैच जो है वो इनेबल हो गया। अब डी लैच या जब इनेबल होगा तो जो भी D0, D1, D2 एंड D3 पे इनपुट्स होंगे वो आपको नजर आ रहे हैं Q0, Q1, Q2 और Q3 पे भी वही अवेलेबल होंगे। सो इस मोड को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मोड, क्योंकि आउटपुट पे वही कुछ नजर आ रहा है जो इनपुट पे है। T2 इंटरवल पे अगर आप देखें क्लॉक जो है लॉजिक लो हो गई है, लॉजिक लो से जो डी लैच है चारों डी लैचेस जो है वो डिसेबल हो गई हैं। सो इस इंस्टेंट पे जो भी इन्फॉर्मेशन थी D0 इनपुट पे, D1 इनपुट पे, D2 और D3 इनपुट पे वो इन्फॉर्मेशन लैच हो गई या स्टोर हो गई है। सो Q0 पे आपको हाई नजर आ रहा है, Q1 पे हाई नजर आ रहा है, Q2 पे लो नजर आ रहा है और Q3 पे लो नजर आ रहा है। इसी तरह इंटरवल T3 पे अगर देखें जो क्लॉक सिग्नल है दोबारा हाई हो गया, हाई होने की वजह से ये दोबारा ट्रांसपेरेंट मोड में चला गया है, दैट मींस जो भी इनपुट में इन्फॉर्मेशन है वो आपको आउटपुट पे नजर आ रही है। सो इंटरवल T3 एंड T4 के दरमियान आप अगर देखें Q0, Q1, Q2 और Q3 पे अगर कोई चेंजेस हैं इनपुट्स पे वो नजर आ रही है आपको। T4 पे दोबारा जो है डिसेबल कर दिया गया डी लैच को, क्लॉक सिग्नल जो है लो हो गया, तो एक दफा फिर जो इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो गई है। अभी हमने डी फ्लिप फ्लॉप की एप्लीकेशन देखी जो डी लैच के बनस्पत बेहतर है, उसमें बड़े प्रिसाइज इंटरवल पे इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। एक और एप्लीकेशन है आपके डिजिटल सर्किट्स में, हमने बताया कि अगर आप क्लॉक से जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको एक्टिवेट करें तो सारे जो सर्किट्स हैं जिनमें फ्लिप फ्लॉप्स लगे हैं सारे सिंक्रोनाइज हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू ए कॉमन क्लॉक, सारे सर्किट्स में एक कॉमन क्लॉक सिग्नल जा रहा है। कुछ जो इनपुट हैं वो आप क्लॉक से सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आपके जो है कीपैड से आप एक्सटर्नली डाटा इनपुट कर रहे हैं, अब किसी वक्त भी आप एक स्विच को प्रेस करें या किसी स्विच को ऑन करें इन्फॉर्मेशन आप डिजिटल सर्किट्स में अप्लाई कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें।
अब वो कैसे आप सिंक्रोनाइज करेंगे, क्योंकि आपका सर्किट जो है वो सिंक्रोनाइज है और जो इन्फॉर्मेशन आपने इनपुट की उसको उसका सिंक्रोनाइज होना जरूरी है। अगेन ये डी फ्लिप फ्लॉप हम यूज कर सकते हैं टू सिंक्रोनाइज एन एक्सटर्नल एसिंक्रोनस इनपुट। सो आइए देखते हैं ये सर्किट कैसे बनेगा और कैसे इस्तेमाल होगा। एक्सटर्नल जब इनपुट्स आप किसी डिजिटल सर्किट में अप्लाई करते हैं तो वो एसिंक्रोनस होते हैं, किसी वक्त भी आप उस स्विच को एक्टिवेट करके इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इन एक्सटर्नल इनपुट्स का सिंक्रोनाइज होना जरूरी है। जो सर्किट नजर आ रहा है इसमें एक स्विच है जो डीबाउंस किया हुआ है एसआर फ्लिप फ्लॉप के साथ, एसआर बेसिकली लैच के साथ। इसका आउटपुट जो है एंड गेट के इनपुट पे कनेक्टेड है, दूसरा जो एंड गेट का इनपुट है वो एक क्लॉक इनपुट के साथ कनेक्टेड है। सो जो ही ये डीबाउंस स्विच का आउटपुट एक्टिवेट हो जाएगा, हाई हो जाएगा, एंड गेट के आउटपुट पे हमें क्लॉक सिग्नल मिलना चाहिए। नीचे टाइमिंग डायग्राम में आपको क्लॉक इनपुट नजर आ रहा है जो एक कंटिन्यूस क्लॉक सिग्नल है। स्विच का जो इनपुट है जो डी बाउंस स्विच से आ रहा है वो लो है और T1 इंटरवल पे हाई हो जाता है और T2 इंटरवल पे दोबारा लो हो जाता है। अब क्योंकि एंड गेट के साथ ये कनेक्टेड है सो जो ही ये हाई होगा जो क्लॉक इनपुट है वो आउटपुट पे दिखाई देगा। क्लॉक आउटपुट जैसे कि नजर आ रहा है T1 इंटरवल से लेके T2 इंटरवल तक नजर आ रहा है। इसमें जो प्रॉब्लम है क्योंकि स्विच इनपुट जो है जो एक्सटर्नल आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं है क्लॉक के साथ, इसीलिए जो एंड गेट के आउटपुट पे क्लॉक नजर आ रहा है वो शुरू में एक हाफ पल्स नजर आ रही है और T2 इंटरवल में एंड पे अगेन हाफ पल्स नजर आ रही है, तो कंप्लीट क्लॉक पल्स जो है हाई लो जो है वो नजर नहीं आ रहा उसमें। इस किस्म की अगर क्लॉक सिग्नल अगर किसी और डिजिटल सर्किट के इनपुट के साथ कनेक्टेड होगी तो उधर प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। सो इसको ठीक करने के लिए बेसिकली आपको एक डी फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करना होगा। आइए देखते हैं कि वो डी फ्लिप फ्लॉप कहां इस्तेमाल करेंगे और कैसे एक्सटर्नल एसिंक्रोनस इनपुट को सिंक्रोनाइज करेगा। पिछले सर्किट में हमने एक डी फ्लिप फ्लॉप ऐड कर दिया, सो जो डी बाउंस स्विच है जो एक्सटर्नल स्विच है उसका आउटपुट जो है डी इनपुट के साथ कनेक्ट है। जो क्लॉक इनपुट था वो एक डायरेक्टली एंड गेट के इनपुट के साथ कनेक्टेड है और दूसरा जो इनपुट है वो क्लॉक इनपुट जो है डी फ्लिप फ्लॉप का उसके साथ कनेक्टेड है। जैसा कि बबल नजर आ रहा है ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप है। आइए इसका टाइमिंग डायग्राम ज़रा देखते हैं। सबसे ऊपर क्लॉक इनपुट नजर आ रहा है, इसमें डाउनवर्ड एरोस शो की हुई हैं, ये इंडिकेट कर रही हैं कि जो डी फ्लिप फ्लॉप का क्योंकि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है सो नेगेटिव ट्रांजिशन पे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा। स्विच जो इनपुट है वो जैसा कि नजर आ रहा है लो है और उसके बाद T1 इंटरवल पे हाई हो गया और T3 इंटरवल पे दोबारा लो हो रहा है। अब क्यू आउटपुट जो है, क्यू आउटपुट जो डी फ्लिप फ्लॉप का है वो T1 इंटरवल पे हाई नहीं होगा, वो T2 इंटरवल पे हाई हो रहा है जबकि हाई टू लो ट्रांजिशन हो रही है क्लॉक इनपुट पे। T2 पे हाई टू लो क्लॉक ट्रांजिशन होता है उस वक्त जो भी इनपुट है डी इनपुट इनपुट पे जो कि हाई है वो क्यू आउटपुट पे आ रहा है, सो T2 पे क्यू आउटपुट हाई हो गया। इसी तरह अब T2 और T4 इंटरवल में जहां भी हाई टू लो ट्रांजिशन क्लॉक की हो रही है उस वक्त जो भी डी इनपुट पे इन्फॉर्मेशन है वो क्यू आउटपुट पे आ रहा है। डी इनपुट पे क्योंकि लॉजिक हाई है इसीलिए क्यू आउटपुट पे भी लॉजिक हाई ही नजर आ रहा है। T3 इंटरवल पे इनपुट जो है डी इनपुट जो है वो लॉजिक लो हो गई है, पर इससे डी जो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब तक हाई टू लो क्लॉक ट्रांजिशन नहीं होगी इन्फॉर्मेशन पे चेंज नहीं आएगा। सो हाई टू लो ट्रांजिशन जो है T4 इंटरवल पे हो रहा है, सो T4 इंटरवल में जो इनपुट है डी इनपुट जो है वो लॉजिक जीरो हो गया हुआ, सो आउटपुट पे क्या होगा, आउटपुट पे भी हाई से लो हो जाएगा, लॉजिक जीरो हो गया। अब अगर आप क्लॉक आउटपुट पे देखें, क्लॉक आउटपुट जो है बेसिकली वो क्यू आउटपुट का और क्लॉक का एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। सो एंड ऑपरेशन अगर आप इन दोनों टाइमिंग डायग्राम्स को देखें तो आपके पास जो नीचे तीन पल्सेज आ रही हैं उसमें कोई भी पल्स जो है हाफ पल्स नहीं, जिस तरह के पहले में एक शुरू में पल्स और आखिर में पल्स कट गई थी, इधर वो कटी हुई नहीं, कंप्लीट क्लॉक पल्सेज आ रही हैं और वो बिल्कुल सिंक्रोनाइज हैं जो क्लॉक इनपुट के साथ। अभी हमने एक एप्लीकेशन देखी एसिंक्रोनस इनपुट्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए, सो बेसिकली डी फ्लिप फ्लॉप ही यूज हो रहा है। एक तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपके प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर जो है उसमें, जैसे मैंने बताया था कि एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है जो भी दो इनपुट वैल्यूज हैं। अब वो इनपुट वैल्यूज जैसे हमने पहले जिक्र किया था किसी मेमोरी एलिमेंट या एक स्टोरेज स्पेस में वो वैल्यूज पड़ी हुई हैं, जो भी ALU का आउटपुट आएगा उसको आपने कहीं स्टोर करना है। सो बेसिकली आप डी फ्लिप फ्लॉप को एक सिंगल बिट का उनको अगर आप कंबाइन कर लें, लेट्स से 4 बिट का फ्लिप फ्लॉप हो जाए डी फ्लिप फ्लॉप या 8 बिट का बना लें, उसको ये जो कॉम्बिनेशन है 4 फ्लिप फ्लॉप्स की या 8 फ्लिप फ्लॉप्स की उसको आप रजिस्टर कहेंगे। बेसिकली रजिस्टर इज ए लार्जर मेमोरी एलिमेंट, एक बिट की जगह मल्टीपल बिट स्टोर कर रहा है। सो ALU में उसको सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ रजिस्टर्स चाहिए जिनमें ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। आइए सर्किट देखते हैं ये रजिस्टर्स कैसे ALU के साथ कनेक्टेड हैं और इससे फायदा क्या हो रहा है। बेसिकली जो फायदा हो रहा है इसमें, एक तो हमने बताया कि स्टोर हो रहा है और इन्फॉर्मेशन आप एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में कॉपी कर सकते हैं उसमें। सो आइए सर्किट डायग्राम को देखते हैं। सर्किट डायग्राम में एक बड़ा सिंपल सा माइक्रोप्रोसेसर का सर्किट बनाया हुआ है जिसमें एक 8 बिट ALU नजर आ रहा है, उसके इनपुट पे दो 8 बिट 4:1 मल्टीप्लेक्सर्स हैं, दैट मींस 4 इनपुट चैनल्स हैं और एक आउटपुट चैनल है, हर इनपुट जो चैनल है वो 8 बिट का है। जो मल्टीप्लेक्सर के इनपुट्स जो आ रहे हैं ये 4
8 बिट डी फ्लिप फ्लॉप से आ रहे हैं। बेसिकली 8 बिट डी फ्लिप फ्लॉप जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, इसको हम रजिस्टर कहेंगे, क्योंकि इन सारों के क्लॉक इनपुट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। सो दैट मींस अगर 8 बिट डाटा कहीं भी स्टोर करना है, आप इन 8 इनपुट्स पे अप्लाई करेंगे, क्लॉक सिग्नल अप्लाई करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। जो दो मल्टीप्लेक्सेस डायग्राम में नजर आ रहे हैं, उनके सिलेक्ट इनपुट से आप चारों रजिस्टर में से किसी दो रजिस्टर्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप 8 बिट ALU के इनपुट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। 8 बिट ALU जब अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसके आउटपुट पे कोई 8 बिट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये 8 बिट इन्फॉर्मेशन आप इन चारों में से किसी एक रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने का तरीका यह है कि जो भी अप्रोप्रिएट रजिस्टर है, लेट्स से आप सेकंड रजिस्टर में स्टोर करना चाह रहे हैं, सो डाटा स्टोर टू जो है, जो बेसिकली क्लॉक सिग्नल है, उसको जब आप लो से हाई ट्रांजिशन उस पर देंगे, एक्टिवेट करेंगे, तो ALU की आउटपुट इन्फॉर्मेशन उस रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी। इस सर्किट की मदद से आप रजिस्टर वन में फॉर एग्जांपल जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप कॉपी कर सकते हैं रजिस्टर थ्री में। कॉपी करने का तरीका क्या होगा, आप मल्टीप्लेक्सर के सेलेक्ट लाइन से रजिस्टर वन की इन्फॉर्मेशन अप्लाई करेंगे ALU के इनपुट पे। ALU का एक जो फंक्शन है वो ट्रांसफर फंक्शन है। ट्रांसफर फंक्शन से बेसिकली होता क्या है, जो इनपुट पे इन्फॉर्मेशन है वो आउटपुट पे आ जाएगी विदाउट एनी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन बीइंग परफॉर्म्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन। सो जो भी इन्फॉर्मेशन इनपुट पे होगी वो आउटपुट पे आ जाएगी। अब आपने अगर इसको तीसरे या चौथे रजिस्टर में स्टोर करना है, जो अप्रोप्रिएट डाटा स्टोर सिग्नल है उसको एक्टिवेट करेंगे, सो इन्फॉर्मेशन जो है थर्ड या फोर्थ रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी। इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन कॉपी कर सकते हैं एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में। अभी हमने एक तीसरी एप्लीकेशन देखी डी फ्लिप फ्लॉप्स की। बेसिकली उनको हम यूज कर रहे थे एज ए रजिस्टर। रजिस्टर जैसे हमने बताया कि मल्टीपल डी फ्लिप फ्लॉप्स अगर आपस में आप कनेक्ट कर दें, उनके क्लॉक इनपुट्स को कनेक्ट कर दें, सो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इकट्ठी एक साथ जो है उन आठों पे या चारों फ्लिप फ्लॉप्स पे स्टोर होगी। सो इन चार का जो मजमुआ है या आठ का जो है, इनको हम रजिस्टर कह रहे हैं उसमें। अब हम बात करते हैं एक और फ्लिप फ्लॉप है जो JK फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। उसमें हमने जो पिछले फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े थे SR फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप में प्रॉब्लम ये था कि जो एक स्टेट था 1 और 1, जब S1 हो R1 हो तो आउटपुट पे क्या होता है, बेसिकली दोनों जो हैं एक जैसे आउटपुट हो जाते हैं, Q और Q बार जो है एक किस्म के वंस हो जाएंगे या जीरोस जो भी हो जाएंगे। इसलिए हम ये कह रहे थे कि S1 और R1 हम अप्लाई नहीं करते, इसको हम इनवैलिड स्टेट कहते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप में तो ये प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ दो ही इनपुट्स हैं, या जीरो होगा या वन होगा, उसमें कोई इनवैलिड स्टेट नहीं। अब हम SR अगर फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, या तो ये हमें याद रखना होगा कि 1 और 1 अप्लाई नहीं करना, स्टेट को अवॉइड करना है। इसका बेहतर हल जो है वो हमें JK फ्लिप फ्लॉप प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली JK फ्लिप फ्लॉप जो है उसमें अगर आप 1 और 1 अप्लाई करें तो जो आउटपुट है वो टॉगल हो जाता है। टॉगल का क्या मतलब है, अगर Q 1 है तो वो 0 हो जाएगा, अगर Q 0 है तो वो 1 हो जाएगा। सो अब चार स्टेट्स जो हमने पढ़ी थी, अगर J 0 हो K 0 हो तो आउटपुट पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो रिटेन रहेगी। J अगर 1 हो K 0 हो तो क्यू जो है वो सेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्यू बार ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर जे जो है वो 0 है और K 1 है तो क्यू जो है वो रीसेट हो जाएगा, क्यू 0 हो जाएगा, क्यू बार जो है वो 1 हो जाएगा। और जो आखिर वाली जो इम्पोर्टेंट स्टेट है, J 1 हो और K 1 हो तो हमने बताया आउटपुट जो है वो टॉगल हो जाएगा, Q 1 है 0 हो जाएगा, Q 0 है 1 हो जाएगा। इसी तरह क्यू बार जो है वो भी अगर 0 है वो 1 हो जाएगा, अगर 1 है वो 0 हो जाएगा। इसमें इधर देखते हैं कि ये जो JK एच ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, इसका सर्किट है कैसे। बेसिकली ये SR फ्लिप फ्लॉप जो है उससे मिलता जुलता है। जो क्यू आउटपुट है और जो क्यू बार आउटपुट है वो आपने कनेक्ट कर दिए हैं जो इनपुट पे दो NAND गेट्स लगाए थे उनके इनपुट्स के साथ। सो क्यू जो आउटपुट है वो नीचे वाला जो गेट है NAND गेट उसके साथ कनेक्ट हो गया, और क्यू बार जो है वो ऊपर वाला जो NAND गेट है जिसके साथ J इनपुट कनेक्ट किया हुआ है उसके साथ कनेक्ट हो गया। सर्किट का डायग्राम को जरा देखते हैं इसमें, और देखते हैं कि जो चार डिफरेंट स्टेट्स हमने डिस्कस की ये कैसे ऑपरेट करेंगी, और ये आउटपुट जो हमारे पास आ रहे हैं, सेट आउटपुट आ रहा है या रीसेट आउटपुट आ रहा है या टॉगल स्टेट आ रही है, ये कैसे आती है। आइए देखें सर्किट डायग्राम को। एस्ट्रिगर JK फ्लिप फ्लॉप डायग्राम में दिखाया गया जो सर्किट है ये बड़ा मिलता जुलता है SR एस्ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप के साथ। जो इनपुट्स हैं वो SR नहीं है, JK हैं, एक क्लॉक इनपुट है, सो क्लॉक ट्रिगर्ड है, बेसिकली एस्ट्रिगर्ड होगा। आउटपुट पे क्यू और क्यू बार नजर आ रहे हैं। जो इस सर्किट में चेंज है वो क्यू आउटपुट जो है वो आपको नजर आ रहा है कि वो NAND गेट के इनपुट के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह जो क्यू बार आउटपुट है वो NAND गेट 3 के साथ कनेक्टेड है। अब जरा देखते हैं कि अगर J 0 हो और K 0 हो और J 1 हो K 1 हो तो आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है। हम शुरू करते हैं, J अगर 0 हो K अगर 0 हो तो आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा। J 0 हो K 0 हो तो NAND गेट 3 जो है और NAND गेट 4 जो है उन दोनों के आउटपुट 1 हो जाएंगे। अगर आपको याद हो जो हमने SR लैच जो शुरू में डिस्कस की थी NAND बेस्ड लैच, अगर इन दोनों के इनपुट्स पे 1-1 हो तो Q और Q बार जो आउटपुट्स हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर Q 1 है और Q बार 0 है तो वो 1 और 0 ही रहेगा, अगर Q 0 है और Q बार 1 है तो वो 0 और 1 ही रहेंगे। सो J = 0 K = 0 आउटपुट जो है वो जो पिछला आउटपुट था वो वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखते हैं J अगर 0 हो और K 1 हो,
जे अगर जीरो हो तो नैंड गेट थ्री के आउटपुट पे वन आ जाएगा, क्योंकि नैंड गेट का अगर आपको बुलियन फंक्शन ज्यादा हो, कोई दिशा इनमें से इनपुट जीरो हो तो आउटपुट पे वन आ जाएगा। सो नैंड गेट थ्री का आउटपुट वन हो जाएगा। जो नैंड गेट फोर है उसका आउटपुट वन होगा या जीरो होगा, बेसिकली के तो के इनपुट जो है वो वन है। इसी तरह क्लॉक ट्रांजिशन पे जो नैंड गेट फोर है उसके इनपुट पे वन आ जाएगा। अब क्यू को अगर देखें, अगर क्यू लेट से जो क्यू आउटपुट है वो वन है तो नैंड गेट फोर के तीनों इनपुट्स जो हैं वो वन है, सो नैंड गेट फोर का आउटपुट जीरो हो जाएगा। अब अगेन अगर आप वो पुराने एसआर लैच पे चले जाएं, अगर उसके दोनों इनपुट जो हैं वन एंड जीरो हो जाएं तो क्यू आउटपुट क्या हो जाएगा, बेसिकली वो रीसेट हो रहा है, क्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। अगर हम अगेन दूसरे केस को देखें, अगर जे जीरो है के वन है और क्यू जो है वो जीरो है, क्यू बार वन है, सो जे जीरो है तो नैंड गेट थ्री का आउटपुट जो है वो वन हो जाएगा। के का जो इनपुट है जो क्यू से आ रहा है वो क्योंकि जीरो है सो नैंड गेट फोर का आउटपुट भी वन हो जाएगा। अब दोनों आउटपुट्स वन हैं सो नैंड गेट वन और नैंड गेट टू के अगर दोनों इनपुट्स वन हो जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा, बेसिकली आउटपुट वही रहेगा। तो क्योंकि क्यू जीरो था अब वही क्यू जीरो ही रहेगा, क्यू बार जो था वो वन था वो वन ही रहेगा। सो इसको हम अगर समराइज करें, इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर जे जीरो है और के वन है तो क्यू जो है वो जीरो हो जाएगा और क्यू बार वन हो जाएगा, दैट मीन्स रीसेट हो रहा है, जे जीरो के वन पे जे के फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो रहा है। अब देखते हैं J अगर 1 हो और K 0 हो उससे आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर J 1 है और K 0 है तो NAND गेट 4 का जो आउटपुट है वो 1 हो जाएगा क्योंकि K इनपुट जो है वो 0 है। अब J इनपुट क्योंकि 1 है और Q बार जो है वो 0 है, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि Q आउटपुट 1 है, सो J का भी जो NAND गेट 3 है उसका आउटपुट भी 1 हो जाएगा। सो क्योंकि NAND गेट 1 और NAND गेट 2 दोनों के इनपुट 1 है सो आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आएगा, दैट मीन्स Q 1 रहेगा, Q बार 0 रहेगा। अब अगर Q 0 है और Q बार 1 है और J 1 है और K 0 है, अब क्या फर्क पड़ेगा, बेसिकली K 0 है तो NAND गेट 4 का आउटपुट 1 हो जाएगा। जो NAND गेट 3 है उसके तीनों इनपुट्स जो हैं हाई हैं क्योंकि Q बार भी 1 है, J भी 1 है और क्लॉक से जो सिग्नल आ रहा है वो भी 1 होगा, सो NAND गेट 3 जो है वो 0 हो गया। अब अगर SR लैच को दोबारा से अगर आप देखें, सो NAND गेट 1 और NAND गेट 2 के इनपुट्स पे अगर 0 और 1 हो तो Q पे क्या फर्क पड़ता है, Q बेसिकली 1 हो जाएगा या सेट हो जाएगा। So, इसको इस तरह आप समराइज कर सकते हैं, अगर J इनपुट 1 हो K इनपुट 0 हो तो Q और Q बार की प्रीवियस स्टेट कुछ भी हो Q 1 पे हो जाए चला जाएगा और Q बार जो है 0 पे चला जाएगा, दैट मीन्स ये जो एच ट्रिगर J के फ्लिप फ्लॉप है वो सेट हो रहा है। अब आखिरी स्टेट को देखते हैं, J 1 हो K 1 हो तो आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा। अब J 1 है और K 1 है तो NAND गेट 3 और NAND गेट 4 का जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा Q और Q बार की स्टेट पे। सो Q अगर हम 1 एज्यूम कर लें और Q बार को इनिशियली हम एज्यूम कर लें 0 है, सो दैट मींस NAND गेट 3 जो है उसका आउटपुट 1 हो जाएगा और NAND गेट 4 जो है उसका आउटपुट 0 हो जाएगा। इससे आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये रीसेट हो जाएगा, Q 0 पे चला जाएगा और Q बार 1 पे चला जाएगा। इसी तरह अगर Q 0 हो और Q बार 1 हो और J 1 हो K 1 हो, इसी तरह अगर आप सर्किट को देखें सो आउटपुट्स जो हैं टॉगल हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, Q जो है 0 से 1 पे जा रहा है और Q बार जो है 1 से 0 पे जा रहा है। सो इसको समराइज इस तरह कर सकते हैं, अगर J इनपुट 1 हो K इनपुट 1 हो तो आउटपुट जो है पुरानी स्टेट से चेंज होकर दूसरी स्टेट में आ रही है, दैट इज क्यू जो है वो चेंज हो रहा है 0 से 1 या 1 से 0। जे के फ्लिप फ्लॉप का जैसे हमने देखा चार डिफरेंट इनपुट स्टेट्स हैं और उसमें से कोई भी इनवैलिड स्टेट नहीं है। जे के फ्लिप फ्लॉप्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं डिजिटल सर्किट्स में, एसआर फ्लिप फ्लॉप इतने कॉमनली यूज नहीं होते जितने जे के फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं। उसकी वजह वही है कि अगर हम 1-1 अप्लाई करें तो वो जो है इनवैलिड स्टेट नहीं होगी, आउटपुट जो है वो टॉगल हो जाएगा उसमें। अब हम देखते हैं कि ये जो जे के एच ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है इसको हम लॉजिक सिंबल इसका क्या, कैसे हम सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसका, इसका हम देखते हैं फंक्शन टेबल या ट्रुथ टेबल, इनपुट्स पे क्या होगा आउटपुट पे क्या होगा और एक टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। दो किस्म के हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप्स हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। आइए ये सारी चीजें हम जरा देखें। पहले हम देखते हैं लॉजिक सिंबल्स जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप के। जो लॉजिक सिंबल्स हैं बड़े मिलते जुलते हैं जो एसआर फ्लिप फ्लॉप्स के हमने देखे थे। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप जो है इनपुट्स ऑफ कोर्स जे और के हैं, आउटपुट क्यू और क्यू बार है, क्यू बार पे बबल शो हो रहा है, दैट मींस वो एक्टिव लो है एज कम्पेयर टू क्यू। क्लॉक जो है उस क्लॉक इनपुट पे बबल नजर नहीं आ रहा, तो ये दैट मींस दिस इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप। दूसरा जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है ये है लॉजिक सिंबल फॉर ए नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, इसमें जो चेंज है वो क्लॉक के इनपुट पे एक बबल नजर आ रहा है। अब हम देखते हैं ट्रुथ टेबल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप के। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप जो है उसका क्लॉक अगर जीरो हो, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो जे के पे जो मर्जी हो इनपुट पे हो आपका आउटपुट जो है वो पुराना ही रिटेन रहेगा। इसी तरह अगर क्लॉक 1 है परमानेंटली तो जो जे और के पे जो भी इनपुट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यू आउटपुट जो है वो वही रहेगा जो पिछला उसने स्टोर किया हुआ है।
जब भी क्लॉक इनपुट पे लो टू हाई ट्रांजिशन है, जैसे वो अपवर्ड एरो से नजर आ रहा है, सो उस वक्त अगर जे जीरो है, क्यू जीरो है, तो जो क्यू टी प्लस वन आउटपुट है वो जो पहले था क्यू टी वो वही रहेगा। जैसे हमने बताया कि जीरो जीरो पे कोई चेंज नहीं होता। इसी तरह अगर जे जीरो है, के वन है, लो टू हाई ट्रांजिशन क्लॉक पे क्यू टी प्लस वन जो आउटपुट है वो जीरो पे सेट हो जाएगा, दैट मीन्स जे के फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो गया। इसी तरह अगर जे वन है, के जीरो है, हाई ट्रांजिशन पे, लो टू हाई ट्रांजिशन पे, क्यू टी प्लस वन जो है नेक्स्ट स्टेट जो है वो वन है, दैट मीन्स जो जे के फ्लिप फ्लॉप है वो सेट हो गया। इसी तरह आखिरी जो इनपुट कॉम्बिनेशन है, जे वन है और के वन है, लो टू हाई ट्रांजिशन पे क्यू टी बार नजर आ रहा है, दैट मीन्स जो प्रीवियस स्टेट थी वो उसके ऑपोजिट इन्वर्ट हो गया। इसी तरह अगर आप नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल को देखें, उसका फंक्शन तो वही है, जीरो जीरो पे क्यू टी है, जीरो वन पे जीरो आउटपुट है, वन जीरो इनपुट जो है उस पे वन आउटपुट है, और वन वन पे वो टॉगल हो रहा है। ये उसी वक्त फंक्शन करेगा जब हाई टू लो ट्रांजिशन हो, जो डाउनवर्ड एरो से नजर आ रहा है। जीरो अगर क्लॉक हो या परमानेंटली वन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट वही रिटेन रहेगी। आइए अब जरा देखते हैं टाइमिंग डायग्राम पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप का। जे इनपुट वेरी हो रहा है और के इनपुट वेरी हो रहा है, क्लॉक सिग्नल दिखाया गया है जिसमें अपवर्ड एरोस दिखाए गए हैं, सो लो टू हाई या पॉजिटिव ट्रांजिशन पे आउटपुट पे चेंज होगा। सो टी वन इंटरवल पे जे क्योंकि वन है और के जीरो है, पॉजिटिव ट्रांजिशन पे आउटपुट जो है वो वन हो गया। टी टू टाइम इंटरवल पे अगर देखा जाए, हाई टू लो ट्रांजिशन हो रहा है तो इस वक्त जे के फ्लिप फ्लॉप जो है वो काम नहीं करेगा। टी थ्री इंटरवल पे अगेन लो टू हाई ट्रांजिशन है, जे जीरो है, के वन है, सो आउटपुट जो है वो रीसेट हो गया, टी थ्री पे लॉजिक लो हो गया। इसी तरह अगर टी फोर पे देखा जाए, जे वन है, के वन है, लो टू हाई ट्रांजिशन हुआ है, तो क्योंकि दोनों इनपुट वन हैं तो आउटपुट जो है वो टॉगल हो जाएगा, तो टी फोर इंटरवल से पहले आउटपुट जीरो था, अब वन हो गया, टी फोर के बाद वन हो गया। टी फाइव इंटरवल पे अगर देखा जाए, जे और के दोनों जीरो हैं, तो दैट मीन्स जो प्रीवियस स्टेट है वो आगे भी वही रहेगी, सो टी फाइव के बाद क्यू आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आया, पहले भी हाई था अब भी हाई है। टी सिक्स इंटरवल पे देखा जाए, रीसेट हो रहा है, के वन है, जे जीरो है, सो टी सिक्स पे हाई से लो हो गया क्यू आउटपुट। टी सेवन पे अगर देखा जाए, जे भी वन है, के भी वन है, सो आउटपुट स्टेट टॉगल हो जानी चाहिए, सो टी सिक्स से टी सेवन इंटरवल में देखा जाए आउटपुट जीरो है, टी सेवन के बाद जो है आउटपुट वन हो गया। टी एट इंटरवल पे जे जीरो है, के वन है, सो इसको रीसेट हो जाना चाहिए, क्यू जो है लॉजिक जीरो पे चला गया। टी नाइन पे देखा जाए और टी टेन को अगर इंटरवल को देखा जाए, दोनों इंटरवल्स में जे जीरो है, के वन है टी नाइन इंटरवल में, सो दैट मीन्स रीसेट हो जाना चाहिए, तो पहले से ही रीसेट था, सो वो रीसेट ही रहेगा लॉजिक लो पे। टी टेन इंटरवल पे क्योंकि जे भी जीरो है, के भी जीरो है, दैट मीन्स जो पुरानी स्टेट थी वो रिटेन रहेगी। आइए देखते हैं टाइमिंग डायग्राम जो है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप का। जो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसका टाइमिंग डायग्राम और इस वाले का, इसमें कोई चेंज नहीं है, एक्सेप्ट दैट जो नेगेटिव ट्रांजिशन है क्लॉक की, हाई से लो, उधर चेंज हो रहा है। सो अगर टी वन इंटरवल को देखा जाए, उधर जो क्लॉक ट्रांजिशन है लो से हाई हो रही है, उस पे ये सर्किट काम नहीं करेगा। टी टू इंटरवल पे क्योंकि हाई से लो ट्रांजिशन हो रहा है, इस वक्त जे वन है और के वन है, सो आउटपुट जो स्टेट है वो टॉगल हो गई। इसी तरह टी थ्री, टी फोर, टी फाइव और बाकी जो इंटरवल्स हैं उनमें हाई टू लो ट्रांजिशन पे जो भी इनपुट पे इन्फॉर्मेशन है उसका इफेक्ट आउटपुट पे आपको नजर आ रहा है। अभी हमने जे के एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप के टाइमिंग डायग्राम देखे, हमने पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप का टाइमिंग डायग्राम देखा और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप का टाइमिंग डायग्राम देखा। दोनों में कोई फर्क नहीं है, जो फर्क है वो सिर्फ इतना है कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जो फ्लिप फ्लॉप है वो पॉजिटिव ट्रांजिशन जो क्लॉक की हो रही है उस पर काम कर रहा है, और जो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसके नेगेटिव ट्रांजिशन पे काम कर रहा है। जो भी इनपुट सप्लाई कर रहे हैं, जो भी आउटपुट्स आ रहे हैं, वो दोनों के लिए एक जैसे हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो जे के फ्लिप फ्लॉप हैं ये इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। हम शुरू करेंगे एक बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन और उसके बाद हम जो इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं उन पर बात करेंगे। जो एक सिंपल एप्लीकेशन है वो है एक सीक्वेंस डिटेक्टर का। सीक्वेंस डिटेक्टर क्या होगा, बेसिकली लेट्स से आपके दो स्विचेस हैं और एक स्विच को ए कह लें, एक स्विच को बी कह लें। अब जो आपका डिजिटल सर्किट है वो उस वक्त काम करेगा, लेट्स से ए अगर आप पहले इनपुट दें ए स्विच पे और बी पे बाद में दें, अगर इसी सीक्वेंस से इनपुट जाएगी तो सर्किट काम करेगा। अगर आप बी इनपुट पहले दे देंगे, ए इनपुट बाद में देंगे, तो सर्किट आपका काम नहीं करेगा। ये सिंपल सर्किट जो है कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऑफकोर्स जे के फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हुए। आइए इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। जे के फ्लिप फ्लॉप को यूज करना है हमने एज ए सीक्वेंस डिटेक्टर। सो सर्किट बड़ा सिंपल है, एक हमने पॉजिटिव एज ट्रिगर जे के फ्लिप फ्लॉप यूज किया है, उसके जे इनपुट पे स्विच ए कनेक्ट कर दिया है, या जो इनपुट स्विच ए से आ रहा है उसको कनेक्ट किया, और जो क्लॉक इनपुट है उस पर स्विच बी का आउटपुट कनेक्ट किया हुआ। अब अगर टाइमिंग डायग्राम को देखें, लेट्स से ए जो है जीरो से वन हो गया, और इनपुट जो बी है जो कि क्लॉक से कनेक्टेड है उस पे जीरो से वन जो हो रहा है वो बाद में हो रहा है ए के। अब क्योंकि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, सो बी पे जब जीरो से वन हुआ सिग्नल, उस वक्त ए पे हाई सिग्नल है, सो आउटपुट पे क्या हो जाएगा, आउटपुट पे भी हाई सिग्नल आ जाएगा या लॉजिक वन सिग्नल आ जाएगा। अगर
ए पे जो इनपुट है वो बाद में चेंज हो और बी पे इनपुट पहले चेंज हो, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सो टाइमिंग डायग्राम में जैसे कि नजर आ रहा है, बी इनपुट जो है वो लो से हाई पहले हो गया, उस वक्त ए इनपुट पे लॉजिक जीरो है, सो एफ आउटपुट पे क्या हो जाएगा, एफ आउटपुट पे लॉजिक जीरो ही रहेगा। उसके बाद ए अगर हाई हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो बी इनपुट पे है उधर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये सिर्फ एज पॉजिटिव एज पे ही काम करेगा। सो ये जो सर्किट है वो उस वक्त काम करेगा जब एक इनपुट पहले आएगा और बी इनपुट बाद में आएगा। अगर बी इनपुट पहले आ जाता है और ए इनपुट बाद में आता है तब ये सर्किट काम नहीं करेगा, एफ आउटपुट जो है वो लॉजिक जीरो ही रहेगा। अभी हमने जे के एच ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप की बड़ी एक सिंपल सी एप्लीकेशन देखी, बेसिकली वी आर यूजिंग इट एज ए सीक्वेंस डिटेक्टर। उसमें हमने एक जो इनपुट था वो जे इनपुट के साथ कनेक्ट किया, दूसरा इनपुट जो था वो क्लॉक इनपुट के साथ कनेक्ट किया। अब डिपेंड करता है कि पहले इनपुट जो है जे पे आ रहा है या क्लॉक पे आ रहा है, उस बेसिस पे आपके आउटपुट पे या लॉजिक जीरो आ जाएगा या लॉजिक वन आ जाएगा। ये तो थी बड़ी एक सिंपल सी एप्लीकेशन। जो इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन है जे के फ्लिप फ्लॉप की वो है बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। अब फ्रीक्वेंसी डिवाइडर है क्या? लेकिन आपका डिजिटल सर्किट है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। जैसे आपके पास चार डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स हैं और चारों जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो चार डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे जो क्लॉक सिग्नल्स हैं उन पे ऑपरेट कर रहे हैं। अब चार डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अगर होंगी, आप सेपरेट क्लॉक सोर्सेज आप अप्लाई करेंगे, उससे एक प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि वो क्योंकि चार सेपरेट सोर्सेज हैं, क्लॉक सोर्सेज हैं, उसकी वजह से जो चार डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप के सर्किट्स हैं उनमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी। अब जितना मर्जी सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करें, कोई एक क्लॉक जो है पहले आ रही होगी, दूसरी क्लॉक बाद में आ रही होगी। सो अगर इस किस्म की आपकी एप्लीकेशन है, आपका डिजिटल सर्किट है उसमें चार डिफरेंट सर्किट्स हैं, सब सर्किट्स हैं जो चार डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे काम कर रहे हैं, तो आप एक क्लॉक सिग्नल लेंगे, उस एक क्लॉक सिग्नल से आप मजीद फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे। सो बेसिकली आपके पास लेट्स से 10 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल है, एक जो फ्लिप फ्लॉप सर्किट है वो 5 मेगाहर्ट्ज के साथ काम कर रहा है, तो उस 10 मेगाहर्ट्ज सिग्नल को आप डिवाइड करेंगे बाय 2 तो आपके पास 5 मेगाहर्ट्ज आ जाएगा। एक तीसरा जो फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है लेट्स से वो 1 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है, तो बजाय ये कि आप एक सेपरेट क्लॉक सोर्स लें, उसी 5 मेगाहर्ट्ज को आप डिवाइड कर सकते हैं बाय 5 तो आपको एक पास एक 1 मेगाहर्ट्ज सिग्नल आ जाएगा। सो इसी तरह आप फ्लिप फ्लॉप जे के फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं टू डिवाइड ए फ्रीक्वेंसी। तो डिपेंड करता है कि आप कितने जे के फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। अगर आप एक करेंगे तो वो बेसिकली डिवाइड बाय 2 कर देगा, अगर आप 2 करेंगे तो वो डिवाइड बाय 4 कर देगा। इसी तरह आप मजीद बढ़ाते जाएं, आपकी फ्रीक्वेंसीज आगे डिवाइड होती जाएंगी। उसमें हम देखते हैं एक सिंपल एप्लीकेशन जे के फ्लिप फ्लॉप की, एच ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप की, जो कि यूज हो रहा है टू डिवाइड ए फ्रीक्वेंसी बाय 2। उसके बाद एक दूसरा सर्किट डायग्राम देखेंगे जिसमें हमारे पास तीन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आती हैं। आइए देखते हैं दोनों सर्किट्स को। सर्किट डायग्राम में जो जे के फ्लिप फ्लॉप नजर आ रहा है उसको हमने कनेक्ट किया एज ए फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। बेसिकली ये डिवाइड बाय 2 कर रहा है। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हम जे के फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। जे इनपुट और की इनपुट जो है उनको परमानेंटली लॉजिक हाई या लॉजिक 1 के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। सो इसका मतलब है जब भी पॉजिटिव एज ट्रांजिशन होगी क्लॉक इनपुट पे, आउटपुट जो है वो टॉगल होगा। अगर शुरू में एफ आउटपुट 1 है तो जो ही क्लॉक आया क्यू आउटपुट जो है 0 हो जाएगा। दोबारा जब क्लॉक आएगा 0 से वो 1 हो जाएगा। सो 1 और 0 के दरमियान ये आउटपुट जो है स्विच कर रहा है। सेट और क्लियर इनपुट हमने इसमें यूज नहीं किए। टाइमिंग डायग्राम को देखें, नीचे क्लॉक इनपुट में कंटिन्यूस एक क्लॉक नजर आ रही है, अपवर्ड एरोस शो कर रहे हैं कि ये लो टू हाई ट्रांजिशन हो रही है। सो लो टू हाई ट्रांजिशन पे ये जे के फ्लिप फ्लॉप जो है काम करेगा। नीचे वाली जो टाइमिंग डायग्राम है क्लॉक आउटपुट दिखा रही है। सो T1 टाइम इंटरवल पे क्लॉक इनपुट पे लो टू हाई ट्रांजिशन हुई, एफ आउटपुट पे क्या हो जाएगा, लो से हाई हो जाएगा क्योंकि टॉगल कर रहा है। T1 से पहले जो है लॉजिक लो है, T1 के बाद लॉजिक हाई हो गया। इसी तरह T2 इंटरवल पे अगेन क्लॉक ट्रांजिशन हुई लो से हाई, सो आउटपुट पे क्या हुआ, आउटपुट जो है टॉगल हो गया, हाई से लो हो गया। इसी तरह अगर आप T3 इंटरवल देखें, T4, T5, T6 से लेकर T8 तक, हर इंटरवल पे जो ही पॉजिटिव ट्रांजिशन होती है क्लॉक इनपुट पे, आउटपुट जो है वो 0 से 1 हो रहा है या 1 से 0 हो रहा है, टॉगल हो रहा है। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी मेजर करें, जो क्लॉक इनपुट की फ्रीक्वेंसी कंपेयर करें या क्लॉक आउटपुट की कंपेयर करें, जो क्लॉक आउटपुट है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाफ है क्लॉक इनपुट से। सो जो क्लॉक इनपुट है उसका एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है T1 एंड T2 इंटरवल में, क्लॉक आउटपुट जो है उसका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है T1 से T3 इंटरवल में। अब एक और जे के एच ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बेस्ड सर्किट देखते हैं जो कि इनपुट फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाय 4 कर रहा है। दैट मींस आउटपुट पे आपको जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो है 1/4 ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी। सर्किट डायग्राम को अगर आप देखें, पहला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका इनपुट जो है जे एन के दोनों को परमानेंटली 1 पे कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसका भी जे इनपुट और के इनपुट दोनों को 1 के साथ परमानेंटली कनेक्ट किया हुआ है। क्यू आउटपुट जो है पहले फ्लिप फ्लॉप का उसको कनेक्ट किया हुआ है क्लॉक इनपुट सेकंड फ्लिप फ्लॉप। जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है उसका क्लॉक इनपुट जो है वो क्लॉक सिग्नल है। आइए देखते हैं ये सर्किट काम कैसे करता है। जो पहला फ्लिप फ्लॉप है वो हर क्लॉक की पॉजिटिव ट्रांजिशन पे टॉगल करेगा क्योंकि जे के इनपुट जो है 1 पे कनेक्टेड हैं। सो जो ही क्लॉक 0 से 1 गया, क्यू आउटपुट अगर 0 है वो 1 हो जाएगा और अगर 1 है 0 हो जाएगा।
सेकंड फ्लिप फ्लॉप को अगर देखें, क्योंकि जे और के इनपुट सेकंड फ्लिप फ्लॉप के दोनों वन पे हैं, तो ये भी बेसिकली टॉगल कर रहा है। अब इसका जो क्लॉक है वो क्यू जो है आउटपुट फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप वन का उधर से आ रहा है। सो जब भी क्यू चेंज होगा उसकी वजह से जो फ्लिप फ्लॉप टू है उसका आउटपुट भी चेंज होगा। अब इसको जरा देखते हैं इसके टाइमिंग डायग्राम से, उससे सही पता लगेगा कि आपके एफ वन आउटपुट पे कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है और एफ जीरो आउटपुट पे कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। टाइमिंग डायग्राम में आपको तीन टाइमिंग वेव्स नजर आ रही हैं। पहला जो है क्लॉक इनपुट, सो क्लॉक इनपुट जो है क्लॉक सिग्नल है जो हाई लो हो रहा है उसमें, इसमें अपवर्ड एरो दिखाई गई है। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका जे के फ्लिप फ्लॉप है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, सो पॉजिटिव ट्रांजिशन पे चेंज होगा। एफ आउटपुट जो है ये बता रहा है फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो है उसके आउटपुट के पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसी तरह एफ वन आउटपुट जो टाइमिंग सिग्नल है वो बता रहा है जो दूसरा आपका फ्लिप फ्लॉप है उसके आउटपुट पे क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो अगर आप टी वन इंटरवल पे देखें, क्लॉक इनपुट जो है वो लो से हाई हुआ, आपने एज्यूम किया कि जो दोनों फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको पहले से रीसेट किया हुआ है जीरो जीरो आउटपुट पे। सो क्लॉक जो ट्रांजिशन हुई लो से हाई इंटरवल टी वन पे, उससे एफ नॉट आउटपुट जो है वो भी लो टू हाई हो जाएगा, टॉगल हो गया बेसिकली। अब क्योंकि एफ नॉट आउटपुट जो है वो क्लॉक इनपुट के साथ कनेक्टेड है जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है, तो उधर भी लो से हाई ट्रांजिशन हुई, तो वो भी जो है स्टेट अपनी जीरो से वन पे चेंज कर रहा है। अब टी टू इंटरवल पे देखा जाए जो क्लॉक इनपुट है उस पर अगेन लो टू हाई ट्रांजिशन हुई। अब इसकी वजह से जो पहला फ्लिप फ्लॉप है उसके आउटपुट पे क्या होगा, वो भी स्टेट अपनी चेंज कर देगा, हाई से लो हो जाएगा। अब क्योंकि जो पहला फ्लिप फ्लॉप है उसका जो आउटपुट है क्लॉक इनपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप उसके साथ कनेक्टेड है, उधर क्योंकि हाई टू लो ट्रांजिशन हो रही है, टी टू पे अगर देखें जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है उसके क्लॉक इनपुट पे हाई से लो ट्रांजिशन हो रही है। अब ये क्योंकि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है इसलिए वो काम नहीं करेगा, इसलिए टी टू से टी थ्री तक जो है स्टेट जो पुरानी हाई थी वही रहेगी। टी थ्री इंटरवल पे देखें क्लॉक इनपुट पे लो से हाई ट्रांजिशन हुई, फ्लिप फ्लॉप वन का जो आउटपुट है वो जीरो से वन हो गया, टॉगल हो गया। अब क्योंकि जो पहला फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट क्लॉक इनपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के साथ कनेक्टेड है, सो उस पे लो से हाई ट्रांजिशन हो रही है। अब लो से हाई ट्रांजिशन जब हुई दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट पे, तो दूसरे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है वो हाई से लो हो जाएगा, ट्रांजिशन हो रही है, टॉगल होगा। सो टी थ्री से लेकर टी फोर तक आपको लॉजिक जीरो वैल्यू नजर आ रही है। इसी तरह टी फोर इंटरवल पे अगर देखा जाए क्लॉक इनपुट तो लो से हाई हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लिप फ्लॉप वन का आउटपुट जो है वो टॉगल हो रहा है, पर फ्लिप फ्लॉप टू का जो आउटपुट है वो चेंज नहीं हो रहा क्योंकि उसके क्लॉक इनपुट पे हाई लो टू हाई ट्रांजिशन नहीं हो रही। टी फाइव इंटरवल पे क्लॉक इनपुट जो है लो से हाई ट्रांजिशन हुई, फ्लिप फ्लॉप वन जो है वो टॉगल हो गया, स्टेट जीरो से वन हो गई। अब जीरो से वन जब स्टेट हुई तो दैट मीन्स एक पॉजिटिव ट्रांजिशन हुई फ्लिप फ्लॉप टू के क्लॉक इनपुट पे, जिसकी वजह से जो आउटपुट है स्टेट वो जीरो से वन हो गया। इसी तरह अगर फॉलो करते हैं टी सिक्स टी सेवन टी एट पे, टी सेवन पे ट्रांजिशन हो रही है क्लॉक इनपुट पे, जिसकी वजह से फ्लिप फ्लॉप वन की आउटपुट स्टेट चेंज हो रही है और फ्लिप फ्लॉप टू की भी आउटपुट स्टेट चेंज हो रही है। अब जरा अगर आप फ्रीक्वेंसीज को देखें, क्लॉक इनपुट का जो एक साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है टी वन से लेकर टी टू इंटरवल में, जो फ्लिप फ्लॉप वन है उसका आउटपुट अगर साइकिल देखें वो टी वन से लेकर टी थ्री इंटरवल में कंप्लीट हो रहा है। सो इसके एक साइकिल में दो क्लॉक इनपुट के साइकिल्स आ रहे हैं, सो दैट मीन्स एफ जीरो आउटपुट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है हाफ है क्लॉक इनपुट से। इसी तरह अगर एफ वन आउटपुट को देखें उसका एक साइकिल जो है टी वन से लेकर टी फाइव इंटरवल, इनमें एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अब इस एक साइकिल में एफ जीरो आउटपुट के दो साइकिल्स आ रहे हैं और क्लॉक इनपुट के चार साइकिल्स आ रहे हैं, सो दैट मीन्स एफ वन आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो वन फोर्थ है क्लॉक इनपुट से या हाफ है एफ जीरो आउटपुट से। सो बाई यूजिंग टू जे के फ्लिप फ्लॉप्स आपके पास तीन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। अभी आपने देखी एक एप्लीकेशन फ्रीक्वेंसी डिवाइडर की, तो अगर एक आप जे के फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी आउटपुट है वो डिवाइड बाय टू हो रही है, अगर दो इस्तेमाल करेंगे डिवाइड बाय फोर हो रही है, इसी तरह अगर तीन करेंगे डिवाइड बाय एट होती जाएगी, सो मजीद फ्रीक्वेंसी आप डिवाइड कर सकते हैं उसमें। अब अगर आप दो फ्लिप फ्लॉप वाले फ्रीक्वेंसी डिवाइडर को देखें, आपके पास तीन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, ये तीन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज तीन डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स को कंट्रोल कर सकती हैं, ऑपरेट कर सकती हैं, जो कि ऑफकोर्स तीन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहे हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है शिफ्ट रजिस्टर। बेसिकली शिफ्ट रजिस्टर क्या है, जैसे हमने बात की थी शुरू में, एक बाइनरी नंबर है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, बड़ा एक आसान तरीका है, अगर आप लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे बेसिकली मल्टीप्लाई बाय टू हो जाएगा, अगर दो बिट शिफ्ट करते हैं मल्टीप्लाई बाय फोर हो जाएगा, अगर आप राइट शिफ्ट करें तो बेसिकली ये डिवाइड कर रहा है उसमें। सो अगर दो बिट से शिफ्ट करते हैं राइट तो ये चार से डिवाइड हो रहा है, अगर एक से करते हैं तो दो से डिवाइड हो रहा है। सो ये शिफ्ट लेफ्ट और राइट जो है ये कैसे हो रहा है, बेसिकली आप ये फ्लिप फ्लॉप्स की मदद से एक शिफ्ट रजिस्टर बना सकते हैं बेसिकली, जो जिससे आप इन्फॉर्मेशन शिफ्ट कर सकते हैं लेफ्ट को या राइट को। इसकी और एप्लीकेशंस क्या हैं, जैसे एप्लीकेशंस एक तो डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा ये है कि आपके लेट्स से स्क्रीन पे इमेजेस आप ड्रॉ करते हैं, उसमें अब इमेज को आपने शिफ्ट करना है लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो शिफ्ट हो रही है बेसिकली, तो वो कैसे होगी, एक शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू कर सकते हैं उसमें। सो आइए देखते हैं कि ये शिफ्ट रजिस्टर बनाते कैसे हैं, कैसे कनेक्ट होगा और ऑपरेट कैसे होता है उसमें। डायग्राम में आपको एक 4 बिट राइट शिफ्ट रजिस्टर नजर आ रहा है,
चार जे के पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए। इन सारों की क्लॉक जो है वो एक कॉमन है, सो जो ही क्लॉक सिग्नल अप्लाई करेंगे चारों जो हैं साइमल्टेनियसली अपनी स्टेट चेंज करेंगे, डिपेंड करता है कि इनपुट पे क्या है। जो पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसका जो जे एंड के इनपुट है उसको हमने एक इन्वर्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो इसको हम एज ए डी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। बाकी जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है उसके दोनों जो इनपुट हैं वो डायरेक्टली पहले वाले के आउटपुट के साथ कनेक्टेड हैं। इसी तरह तीसरा भी और चौथा भी, इन दोनों के जो इनपुट्स हैं वो डायरेक्टली पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के साथ कनेक्टेड हैं। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो Q0 पे आ रही है, Q1 पे आ रही है और Q2 और Q3 पे आ रही है। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। उसमें टाइमिंग डायग्राम जो है 4-bit राइट शिफ्ट रजिस्टर का, सबसे ऊपर जो है क्लॉक इनपुट नजर आ रही है। तो ये क्लॉक इनपुट जो है ये चारों फ्लिप फ्लॉप्स को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ये चारों पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स हैं, सो पॉजिटिव ट्रांजिशन पे इन्फॉर्मेशन लैच होगी। दूसरी जो टाइमिंग सिग्नल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डाटा इनपुट, जो कि पहले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे हम अप्लाई कर रहे हैं। सो डाटा जो है वो शुरू में वन इंटरवल में हाई है, फिर लो हो रहा है, फिर दोबारा से हाई हो रहा है और फिर T4 और T5 इंटरवल में दोबारा से लो हो गया, उसके बाद दोबारा से हाई हो रहा है। क्योंकि ये 4-bit राइट शिफ्ट रजिस्टर है तो ये डाटा इनपुट जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये आपको शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। Q0, Q1, Q2, Q3 आउटपुट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं चार जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके आउटपुट्स। सो अगर T1 इंटरवल पे देखें, क्लॉक ट्रांजिशन हुई, पॉजिटिव ट्रांजिशन हुई, डाटा इनपुट जो है वो 1 है, तो Q0 आउटपुट पे जो है आपके पास 1 आ गया। इस तरह Q1 जो है, Q2 और Q3 उनके आउटपुट पे कोई चेंज नहीं हुआ। T2 इंटरवल पे लो टू हाई ट्रांजिशन हुई क्लॉक इनपुट पे, उस वक्त जो डाटा इनपुट है वो 0 है। अगर आप जे के फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन टेबल देखें, सो डाटा इनपुट जे जो है 0 है, के 1 हो गया, तो इस पे जो है क्यू आउटपुट रीसेट होना चाहिए। सो T2 इंटरवल पे Q0 आउटपुट जो है वो रीसेट हो गया। T2 इंटरवल को अगर आप देखें, Q0 आउटपुट जो है जैसे मैंने बताया वो 1 से 0 हो रहा है। अब क्योंकि क्लॉक सिग्नल जो है वो चारों फ्लिप फ्लॉप्स पे इकट्ठा जा रहा है, एक साथ जा रहा है, सो T2 पे जब क्लॉक सिग्नल मिला फ्लिप फ्लॉप 2 पे, उसके इनपुट्स जो है वो 1 और 0 पे हैं, अभी वो चेंज नहीं हुए। सो क्योंकि J इनपुट 1 है और K 0 है, इसीलिए Q1 आउटपुट जो है वो टॉगल हो रहा है 0 से 1 पे जा रहा है। Q2 का आउटपुट और Q3 का आउटपुट वो चेंज नहीं होगा। T3 इंटरवल पे अगर देखें आप, डाटा इनपुट जो है वो हाई है, Q0 आउटपुट पे अगेन जो है स्टेट चेंज हो रही है, 0 से 1 हो गई। अब अगर T3 इंटरवल पे देखें, जैसे मैंने पहले बताया क्लॉक सिग्नल जो है बाकी फ्लिप फ्लॉप से भी उसी वक्त ही जा रहा है उसमें, सो Q1 आउटपुट जो है वो 1 से 0 हो गया, क्योंकि J जो है जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है J इनपुट 0 है और K 1 है, दैट मीन्स आउटपुट जो है दूसरे फ्लिप फ्लॉप का वो रीसेट हो जाना चाहिए। इसी तरह अगर आप Q2 आउटपुट पे देखें, जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है उसका इनपुट J जो है वो 1 पे है और K 0 पे है, अभी वो 1 से 0 पे चेंज नहीं हुआ। जो ही क्लॉक सिग्नल आया तो Q2 आउटपुट जो है वो टॉगल कर जाएगा 0 से 1 पे। इसी तरह अगर आप T4 इंटरवल पे देखें, Q2 का आउटपुट जो है वो 1 से 0 पे जा रहा है, पर इससे पहले कि वो 1 से 0 पे पहुंच जाए, क्लॉक सिग्नल के आने पे जो आखिरी फ्लिप फ्लॉप है, चौथा फ्लिप फ्लॉप है, उसके इनपुट पे J1 है, K0 है, सो क्लॉक सिग्नल के आने पे जो है आउटपुट चेंज हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। एक और जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जे के फ्लिप फ्लॉप की, वो है काउंटर। जो हमने फ्रीक्वेंसी डिवाइडर हमने पढ़ा था, काउंटर सर्किट जो है उससे बिल्कुल मिलता जुलता है, उसको हम इधर डिस्कस नहीं करेंगे, आपके हैंडआउट्स में वो मैंने सर्किट बनाया हुआ है, वो काइंडली जरा देख लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली दफा दोबारा मिलेंगे, इधर से ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।